आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती को लेकर एक नया अपडेट यहां पर बिग अपडेट है। और क्या 1 लाख प्लस ग्रुप डी की भर्ती आने की संभावना है कि नहीं है, तो सभी लोग कह रहे हैं 1 लाख प्लस ग्रुप डी की भर्ती आएगी, तो इसके बारे में बात करेंगे। रेलवे के एक जोन का यहाँ पर डाटा आ चुका है, जो कि आरटीआई के तहत मांगा गया था ऑफिशियल लेटर, तो उसमें जवाब दिया गया है कि कितनी सीटें अभी हाल फिलहाल खाली हैं। ठीक है, तो अब की बार क्या दोस्तों, जितनी हो सके आप उतना अच्छे से पढ़ाई करें, आईटीआई वाले छात्र और सीसीए वाले छात्र। इसमें ग्रुप डी में उनको काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आईटीआई और सीसीए यहां पर कंपलसरी होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो आईटीआई जो लगाया गया है, तो उसमें कितनी सीटों को वैकेंट बताया गया है अभी तक के लिए। ठीक है, तो चलते हैं सीधे हम उसका जो आईटीआई का जो रिप्लाई यहां पर आप देख सकते हैं, ये 22/9/2024 का जो रिप्लाई आया था, और यहाँ पर रिसीव्ड ऑन 23/9 को इन्फॉर्मेशन उनको मिली थी। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट इन इंडियन रेलवे ओवर डिपार्टमेंट ग्रुप सी और ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप सी की यहाँ पर हम छोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया टोटल वैकेंसी नॉर्दर्न रेलवे, तो नॉर्दर्न रेलवे की जितनी जो वैकेंट सीट है ग्रुप सी की वो 17,975 थी, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके जो वैकेंसी निकाली जा चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें ग्रुप डी की, अगर बात करें जो आईटीआई सीसीओ वालों के लिए बहुत ही अच्छा मुद्दा है, और इसमें देखो एक ही जोन की बताई गई, इसमें सीटें 11,990 यहाँ पर दी गई हैं, और ये डेटा आपको बताया गया 31/8/2024 तक का यहाँ पर डेटा दिया गया। मतलब बात यह है कि अभी यहाँ पर एक ही जोन में कितनी है, 11,990 सीटें वैकेंट हैं, तो अपने कितने जोन हैं। ठीक है, हर जोन में लगभग इतनी, मतलब इससे कम होंगे, किसी छोटा जोन है, कोई बड़ा जोन है, तो वहाँ पर हर जगह सीटें इतनी अगर खाली हैं, तो ये मान के चलिए आपकी 1 लाख प्लस वैकेंसी आने का तो संभावना है, लेकिन मुझे यहाँ तक उम्मीद है ये वैकेंसी 50,000 से 60,000 के समृद्ध की ही आ सकती है। तो थोड़ा वेट करिए, इसका जो ऑफिशियल लेटर या शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में फर्स्ट या सेकेंड वीक में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि कितनी वैकेंसीज़ निकाली जाएंगी। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन था, जिसमें आपको एक जोन का आईटीआई के तहत यहाँ पर बताया गया था। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।